सो प्रीवियस लेक्चर में हमने नोडल मेथड और मेश मेथड किया कंप्लीट किया है अपना। आज हम लोग अपना नेटवर्क थ्योरम स्टार्ट करेंगे। ठीक, केसीएल केवीएल से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है, नोडल मेथड और मेश मेथड से जनरली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन केसीएल केवीएल में प्रोसेस में ये तो प्रोसेस थोड़ा लेंदी है। दूसरा, इसकी प्रोग्रामिंग करना आसान नहीं है क्योंकि ये मेथड्स, इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं जिनको यूज किया, कुछ स्टेटमेंट जिनको यूज करके सर्किट सॉल्व किया जा सकता है, उनको हमने नेटवर्क थ्योरम की कैटेगरी में रखा है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपके जेई के सिलेबस में आप लोग 10 थ्योरम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है जो थ्योरम्स आपको पढ़ने हैं वो है, पहला इट इज सुपरपोजिशन थ्योरम, सेकेंड वन इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम, थर्ड वन इज थेवेनिन्स थ्योरम, फोर्थ वन विल बी नॉर्टन्स थ्योरम, फिफ्थ वन विल बी मिलमैन्स थ्योरम, सिक्स्थ वन विल बी ड्यूअल मिलमैन्स थ्योरम, सेवेंथ इज कैलेजेंस थ्योरम, एट्थ वन इज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, नाइन्थ वन इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, एंड द लास्ट इज कंपनसेशन थ्योरम। अगर इंपॉर्टेंस का बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से, देन स्टार डेल्टा, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, सॉरी रेसिप्रोसिटी से भी कम ही आता है, थेवेनिन्स नॉर्टन से ज्यादा आते हैं, मिलमैन्स और ड्यूअल मिलमैन्स थ्योरम लगभग लगभग सेम है। कई बुक में एक ही थ्योरम लिखा हुआ है मिलमैन्स थ्योरम और उसको दो पार्ट में डिवाइड करके बताया वोल्टेज और करंट सोर्स के लिए, ये भी जनरली कम ही आता है। अब जिस थ्योरम पे जितना ज्यादा स्टार है ना, आने के चांसेस उसके उतने ज्यादा रहते हैं। कंपनसेशन थ्योरम कभी किसी जेई के एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक, लेकिन अभी एक ही यही थ्योरम रह रहा है तो उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। राइट, अब लिख लिया तो अलग स्टार्ट करें हम लोग। पहला थ्योरम अपना नोट कर लिया? यस सर। इसी सीक्वेंस में हम लोग थ्योरम को स्टडी करेंगे। नाउ आवर फर्स्ट थ्योरम इज सुपर पोजिशन थ्योरम। अब ये जो है ना सुपर पोजिशन थ्योरम, एक बड़ा सा लंबा सा स्टेटमेंट है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर उसके मीनिंग को समझते हैं हम लोग, ऑफिस पे क्वेश्चन करेंगे। इस और थ्योरम कहता क्या है, इन एनी एनी
linear and bilateral circuit containing, मतलब उसमें एक और कंडीशन है, containing more than one independent source. अगर कोई लीनियर बायलैटरल सर्किट है जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स है, देन द ओवरऑल रिस्पॉन्स एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ sum of individual response of each source of each source when all other sources are deactivate. किसी लीनियर बायलैटरल सर्किट में जहां पे एक से अधिक इंडिपेंडेंट सोर्स हो, वहां पे किसी भी पॉइंट का रिस्पांस. अच्छा, रिस्पांस के बाद आप एक चीज और लिख सकते हैं. यहां पे हम लोग रिस्पांस का मतलब है वोल्टेज या करंट. इलेक्ट्रिकल रिस्पांस में कोई नॉन लीनियर रिस्पांस जैसे पावर एनर्जी के ऊपर ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगा. ठीक, ये रिस्पांस का मतलब होगा वोल्टेज और करंट. कहीं पे आपको निकालना है तो वो सभी इंडिविजुअल सोर्स के एल्जेब्रिक सम का, सभी इंडिविजुअल सोर्स के इंडिविजुअल रिस्पांस का एल्जेब्रिक सम होता है. ठीक, स्टेटमेंट को एज इट इज ट्रांसलेट करके तुरंत समझना मुश्किल है. अब जब एग्जांपल करेंगे तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. इसमें पहला लाइन में आपको दिख रहा है लीनियर एंड बायलैटरल सर्किट. पहले बात, ये थ्योरम तभी वैलिड है जब सर्किट में कोई नॉन लीनियर एलिमेंट ना हो, पूरा सर्किट लीनियर होना चाहिए. नॉन लीनियर एलिमेंट जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डायोड, डायोड का वी कैरेक्टरिस्टिक लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट्स किया था ना हमने क्लास में. अगर कोई नॉन लीनियर एलिमेंट है, डायोड, ट्रांजिस्टर या कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो ये थ्योरम वैलिड नहीं है, अप्लाई नहीं होगा सर्किट पे. अगर सर्किट में एक से अधिक सोर्स नहीं है तो भी ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगा. ठीक, तीसरा कंडीशन है यह थ्योरम केवल और केवल लीनियर रिस्पॉन्स, वोल्टेज और करंट जैसे रिस्पांस पे अप्लाई होता है, नॉन लीनियर रिस्पांस जैसे पावर या एनर्जी पे अप्लाई नहीं होता है. क्लियर? इस बात को नोट करके लिख लेते हैं. नोट में आपका पहला पॉइंट है कि इफ देयर इज एनी नॉन लीनियर element in circuit, if there is any non-linear element in circuit, this theorem is not applicable. Ye theorem apply nahi hota hai. Second point, if there is single source in circuit, the theorem is not applicable. Third point, this theorem is applicable only on linear response like
voltage and current, and not applicable on non-linear response like power and energy. यहां तक स्टेटमेंट क्लियर है आपको? एक चीज और यहां पे देखने को मिलेगा, इट इज सोर्स डीएक्टिवेशन, ठीक है ना, व्हेन ऑल द अदर सोर्सेज आर डीएक्टिवेट. सुपरपोजिशन थ्योरम में आप सोर्सेज को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करेंगे. एक्टिवेट जैसे आप सोर्स को लगाना, वही उसका एक्टिवेशन है. सोर्स को डीएक्टिवेट करने का मतलब होता है कि द सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा, आइडियल करंट सोर्स है तो वो ओपन सर्किट से भी रिप्लेस होगा. ठीक, द फोर्थ पॉइंट इज फॉर सोर्स डीएक्टिवेशन. इन सोर्स डीएक्टिवेशन इट इज रिप्लेस्ड by its internal resistance. Source deactivation में उसको उसके internal resistance से replace कर देते. ठीक, इसका में होगा क्या? That is आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो. इट विल बी शॉर्ट सर्किट. एंड आइडियल करंट सोर्स विल बी ओपन सर्किट. प्लीज रिप्लाई करिए. लिख लिया आपने? आगे चले. यस सर. ओके, थैंक यू. एग्जांपल से इस थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं. मेरे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द करंट इन 4 ohm resistor, yeah, resistance. Find the current in 4 ohm resistance using superposition theorem. Superposition theorem use करके इसमें 4 ohm में आपको current निकालना है. सर्किट वही ले लेते हैं हम, अभी तक जो पहला सर्किट सॉल्व करते आए हैं. 10 वोल्ट 2 ओम 4 ओम दिस इज 2 ओम प्लस माइनस दिस इज 5 वोल्ट प्लस 4 ओम में करंट निकालना है. मान लीजिए 4 ओम की करंट आई है. ये क्वेश्चन हमने नोडल मेथड में भी किया है, फर्स्ट क्वेश्चन इन नोडल मेथड, एंड हमने मेश मेथड में भी किया है, फर्स्ट क्वेश्चन इन मेश मेथड. किसी को आंसर याद है क्या? 4 ओम में कितना करंट आया था, याद है किसी को? सर, नहीं याद है तो 1.5 आया था. आप सॉल्व कर चुके हैं इसको, अगर कॉपी आपके पास है तो देखिए. नहीं सर, मेरा में 0.5. अरे ये सेकंड क्वेश्चन में आया था जब 5 वोल्ट की पोलैरिटी रिवर्स कर दी थी तब. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देख. जी सर. यस सर. ठीक है, याद आ गया ना? 1.5 आया था.
अच्छा ये बताइए, इस 4 ओम करंट फ्लो करेगा वो इसके वजह से करेगा, 10 वोल्ट के वजह से या 5 वोल्ट की वजह से, या दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा ये आई? कंबाइंड इफेक्ट होगा ना, तो प्लीज रिप्लाई करिए। मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया? माइक ऑन करें ना प्लीज। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो करंट आई मैं दिखा रहा हूँ, ये 10 वोल्ट का वजह से फ्लो करेगा कि 5 वोल्ट का वजह से फ्लो करेगा कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट से फ्लो करेगा? प्लीज आंसर करें। सर कंबाइंड इफेक्ट होगा। कंबाइंड इफेक्ट होगा, जितना जल्दी ले आप लोग आंसर करेंगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही सुपरपोजिशन थ्योरम भी कहता है कि कंबाइंड इफेक्ट होता है, और इनका जो इंडिविजुअल इफेक्ट है उसका अल्जेब्रिक सम ये करंट आई होगा। ठीक, ये मान लेते हैं सोर्स 1, इसको मान लेते हैं सोर्स 2, दो सोर्स है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि किसी भी पॉइंट पे जो रिस्पॉन्स है वो इसका इंडिविजुअल रिस्पॉन्स और इसका इंडिविजुअल रिस्पॉन्स का अल्जेब्रिक सम होगा। ठीक, पहले इसका इंडिविजुअल रिस्पॉन्स निकालते हैं। इंडिविजुअल रिस्पॉन्स ऑफ S1 का इंडिविजुअल रिस्पॉन्स निकालने के लिए आपको S2 को डीएक्टिवेट करना होगा। S2 5 वोल्ट एक वोल्टेज सोर्स है, जब ये डीएक्टिवेट होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इंडिविजुअल रिस्पॉन्स निकालेंगे तो आपने S1 को लगा दिया प्लस माइनस 10 वोल्ट, इधर 2 ओम, इधर 4 ओम, 2 ओम, सॉरी इसको तो आपको हटाना है, शॉर्ट सर्किट। ठीक, अब सोर्स 2 जो है वो डीएक्टिवेट हो चुका है, इस सर्किट में केवल एक सोर्स है ये 10 वोल्ट का, राइट? देखिए थ्योरम में इंटरेक्शन जरूरी है, प्लीज अपने माइक ऑन कर लें। जी सर प्लीज। ठीक, बात करना जरूरी होगा। देखिए आपने जो है इस सर्किट में केवल एक सोर्स बचा। अब मैं पूछूं कि यहाँ पे अगर कोई करंट है, सपोज सर्किट चेंज किया है, करंट का नाम चेंज कर देते हैं, सपोज कर लेते हैं इट इज आई डैश। ठीक, सर्किट का जो करंट है वो आई डैश 4 ओम में है। अब ये जो आई डैश है वो कौन से सोर्स की वजह से फ्लो कर रहा है बताइए? 10 वोल्ट, और कोई सोर्स है ही नहीं। तो ये जो इस पॉइंट पे 10 वोल्ट का इंडिविजुअल रिस्पॉन्स कितना हुआ? आई डैश। अब ये आई डैश जो है वो केवल और केवल 10 वोल्ट से की वजह से फ्लो कर रहा है, वो उसका इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, केसीएल लगा देते पहले भाई। केसीएल मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन ना, इस पॉइंट का वोल्टेज मान लीजिए V माइनस 10/2, या V1 मान लेते हैं, V1 माइनस 10/2 प्लस V1/4 प्लस V1 माइनस 0/2 इज जीरो। इसका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 1, 2 प्लस 2 प्लस 1 इज 5, V1 इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा 20, उधर जाएगा पॉजिटिव, इट इज 4, इट्स V1 विल बी इक्वल टू, सॉरी 10 10 20
V1 की वैल्यू 4 वोल्ट राइट। अगर V1 का वैल्यू 4 वोल्ट है देयरफॉर I डैश कितना हो जाएगा V1 by 4 it is 4 by 4 it is 1 एम्पियर राइट। ठीक है नाउ सिमिलरली रिस्पॉन्स ऑफ S2 अब जब S2 का रिस्पॉन्स निकालेंगे तो S2 का रिस्पॉन्स निकालते समय S1 को डीएक्टिवेट करना होगा। इंडिविजुअल रिस्पॉन्स में सर्किट में केवल वही एक अकेला सोर्स रह सकता है बाकी सारे सोर्स डीएक्टिवेट करने पड़ते हैं। अगर तीन सोर्स होते तो तीनों का अलग अलग रिस्पॉन्स निकालते आप तीन सर्किट बना के। हमारे पास दो सोर्स हैं तो दो ही रिस्पॉन्स निकालना पड़ रहा है आपको। जब S2 का रिस्पॉन्स निकालेंगे तो S1 को डीएक्टिवेट करेंगे इट विल बी अ शॉर्ट सर्किट। उसके बाद ये 2 ओम देन 4 ओम 4 ओम के बाद फिर ये 2 ओम देन दिस इज 5 वोल्ट। अब इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो इस 5 वोल्ट का S2 का इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होगा। S2 है ना उस करंट को मान लेते हैं I डबल डैश अगेन बाय KCL इक्वेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इस पॉइंट का वोल्टेज मान लीजिए V2 V2/2 प्लस V2/4 प्लस V2 - 5/2 दिस विल बी 0 सम ऑफ करंट इक्वल टू 0 अगेन LCM 4 है ये 2 प्लस 1 प्लस 2 5 V2 इज इक्वल टू यहां पे 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 दैट मींस V2 इज 10/5 इज 2 वोल्ट। देयरफॉर I डबल डैश विल बी इक्वल टू V2/4 दैट इज 2/4 दैट इज 0.5 एम्पीयर। I डैश मिल गया I डबल डैश मिल गया S1 का रिस्पॉन्स मिल गया S2 का रिस्पॉन्स मिल गया। बाय या अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम टोटल करंट I विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स जो पूरे सर्किट में करंट I था विल बी I डैश प्लस I डबल डैश I इक्वल टू 1 प्लस 0.5 I इक्वल टू 1.5 एम्पीयर। थ्योरम समझ में आया आपको इसका इंडिविजुअल रिस्पॉन्स निकाला इसका इंडिविजुअल रिस्पॉन्स निकाला दोनों को ऐड कर दिया। अगर दोनों सोर्स सर्किट में है तो जो करंट फ्लो करेगी वो I डैश प्लस I डबल डैश करेगी दोनों के इंडिविजुअल रिस्पॉन्स का एल्जेब्रिक सम। प्लीज अपना माइक ऑन कर लें। यस सर माइक ऑन ही रहने दीजिए अगर आसपास कोई शोर नहीं हो रहा है तो। किसी को डाउट है इसमें किसी को नोट करना है नहीं करना आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। अगर एक समझ में आया है तो इसका आंसर आप लोग देंगे। फाइंड द करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग
सुपरपोजिशन थ्योरम सर्किट है स्टैनवोल्ट 2 ओम 4 ओम टू ओम 2 एम्पियर या 1 एम्पियर लीजिए। या 1 मिनट टू ही ले लेते हैं। से टू एम्पियर ठीक है। ओवरऑल रेस्पॉन्स इन द 4 ओम टू एम्पियर ठीक है। इसको मैं भी सॉल्व करता हूँ। पहला है इसको S1 मान लेते हैं, इसको S2 मान लेते हैं। रेस्पॉन्स ऑफ S1 का रेस्पॉन्स निकालेंगे, S2 को हटा देंगे। S2 करेंट सोर्स है तो वो ओपन हो जाएगा, प्लस माइनस 10 वोल्ट 2 ओम 4 ओम 2 ओम और ये ओपन सर्किट है। ठीक, ओपन सर्किट है तो इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। ठीक, आप इस ब्रांच को चाहे तो हटा सकते हैं। अब ये 4 और ये 2 सीरीज में है, टोटल रेजिस्टेंस इज 6। दिस करंट सपोज ये कि आई डैश है तो आई डैश की वैल्यू हो जाएगी 10/6, दैट इज 5/3 एम्पियर। सोर्स 2 का रिस्पॉन्स निकालें, रिस्पॉन्स ऑफ S2, उसके लिए फिर आपको S1 को शॉर्ट करना पड़ेगा, वो वोल्टेज सोर्स है, शॉर्ट सर्किट होगा वो 2 ओम 4 ओम 2 ओम 1 एम्पियर। अब ये सर्किट में करंट यहां से निकला है 1 एम्पियर और यहां से यहां तक आएगा 1 एम्पियर। अब उसके बाद दो रास्ते हैं, इधर 2 है इधर 4 है रेजिस्टेंस, दिस इज आई डबल डैश बाय करंट डिवीजन रूल। जी 2 एम्पियर है सर सोर्स जो, कौन सा सोर्स 2 एम्पियर दिया था ना जी, 2 एम्पियर दिया था सर। Therefore, by superposition theorem, total current I will be equal to I dash plus I double dash. So I equal to, वो आया था कितना 5/3, that was I dash, और I double dash कितना 1/3, add करिए I will be equal to 6/3 is 2 ampere और final answer। आगे चले,
जिस तरह की चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला भी आपके लिए है। सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करना है, अंडरस्टूड है वो? वन एम्पियर वन ओम वन ओम वन ओम वन ओम प्लस माइनस दिस इज वन वोल्ट इंडिपेंडेंट सोर्स दिस इज ऑल्सो वन ओम। आपको इस वाले ब्रांच की करंट बतानी है। सपोज दिस इज आई, आई का वैल्यू क्या होगा? सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करिए। दो सोर्स हैं एस वन एस टू, मान लीजिए कि ये एस वन है ये एस टू है। एक एक करके दोनों का इंडिविजुअल रिस्पॉन्स बताएं। अगेन मैं वेट कर रहा हूँ, अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ, आपका माइक ऑन रहेगा सर। जी बेटा सर, ये जो करंट डिवीजन रूल वाला जो पीछे में लिया है सर, जो ये करंट के साथ में जो रेजिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई किया, ये ऑपोजिट रेजिस्टेंस वाला जो फोर का जो पैरेलल में है वो वाला है क्या? हाँ, करंट डिवीजन रूल था ना ये, आपके यहाँ पे तो इस पॉइंट तक तो करंट 1 एम्पियर है करंट सोर्स की वजह से। अब डिवीजन होगा 2 और 4 के बीच में, तो करंट डिवीजन रूल है क्या? टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस 2 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस 2 प्लस 4। ये 4 ओम का करंट है, 4 ओम में निकालना था मुझे। ओके सर, ये अपोजिट रेजिस्टेंस ये 4 जो अपोजिट सर 4 को क्यों नहीं लिया है? क्योंकि 4 ओम में ही तो करंट चाहिए मुझे। अगर आप करंट डिवीजन रूल पढ़ा है आपने, ये देखिए सपोज ये R1 है ये R2 है, किसी ब्रांच से करंट आ रहा है सपोज I, करंट की वैल्यू तब तक चेंज नहीं होती जब तक ब्रांच डिवाइड नहीं होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की करंट I है टिल दिस पॉइंट, उसके बाद डिवीजन होगा, कुछ करंट इधर से जाएगी कुछ करंट इधर से जाती है। ठीक, सपोज यहाँ पे गया I1 R1 में, I2 गया R2 में, इधर से I1 आएगा इधर से I2 आएगा, दोनों वापस मिलेंगे और ये फिर से करंट I हो जाएगा। अब I1 और I2 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है। I1 वैल्यू होती है टोटल करंट I इनटू I1 निकालना है तो ना R2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस यस R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस फॉर्मूले को हमने डायरेक्ट यूज कर लिया यहाँ पे। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ आपके इसका रिस्पांस का। अगर मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो फिर आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। सॉल्व करके तुरंत तुरंत मुझे रिप्लाई कर। सर हेलो, I1-0.25। ठीक है, I1-0.25 करेक्ट सर। I2-0 जीरो आ रहे क्या ना, कंफ्यूज हो रहे सर इसको तो। नहीं जीरो ही है, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, करेक्ट है आपका आंसर। व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है ना? यस सर। तो I2-0 फाइनल आंसर इज 0.25। चलिए अब मेरी बारी। Response of
S1 का रिस्पांस निकालेंगे तो S2 को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। S2 वोल्टेज सोर्स है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दिस इज 1 एम्पियर। देखिए ये सर्किट ज्यादा ज्यादा बनेगा जब एक एक स्टेप हमको करके एक सर्किट बनाना पड़ेगा, लेकिन फाइनल में आंसर इजीली निकल सकता है। आप चाहें तो ये प्रोसेस को माइंड में भी इमेजिन कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज 1 ओम, यहां से नहीं है। ये दोनों पॉइंट को शॉर्ट सर्किट कर दिया ना। शॉर्ट सर्किट करने से ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया क्या? एक एंड कनेक्टेड, दूसरा एंड कनेक्टेड, ठीक वैसे ही है। और ये पैरेलल में हो गया, ठीक है। मैं डायरेक्ट रिप्लेस कर रहा हूं सर, किसी को डाउट हो तो पूछेगा। आप रिप्लेस कर सकते हैं, ये हो गया आपका 1 एम्पियर। वन ओम पैरेलल में है ना, ओवरऑल विल बी 0.5 ओम। अब इधर भी हो गया क्या 0.5 ओम। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 1 ओम है, तो उसको घुमा के लाने से अच्छा है सीधा हम इसे कनेक्ट कर दें। 1 ओम। अब इसमें करंट निकालनी है आपको, तो इसको आप हटा नहीं सकते, इसको मान लेते हैं आई डैश। ठीक, एक ही सोर्स एक सर्किट में आई करंट सोर्स से यहां से लेके यहां तक जो करंट मिलेगी दैट इज बी 1 एम्पियर। अब दो रास्ते डिवाइड हो जाएंगे, कुछ करंट यहाँ पे कुछ करंट यहाँ पे। इस वाले पाथ में रेजिस्टेंस जो है वो 1.5 ओम है, ये 1 और 0.5 सीरीज में है और ये 0.5 अलग है। सीधे सीधे करंट डिवीजन रूल से मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, आई डैश विल बी इक्वल टू टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 प्लस 1.5, दिस इज 0.5/2। देयरफॉर आई डैश विल बी इक्वल टू 0.25 एम्पियर। Response of S2 now. S2 का response निकालेंगे तो S1 is end source, तो ये open circuit हो जाएगा, बचेगा क्या? One ohm. One ohm. Current source open हो गया इसलिए मैंने उसको हटा दिया। Plus minus is 1 volt और यहां पे आपको current निकालना है। annotation किसका on हो गया? अब यहाँ पे जो करंट है दिस विल बी आई डबल डैश। आपको ये दिख रहा है क्या? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, चार ब्रांच पी क्यू आर एस सब इक्वल, पी बाई क्यू इज आर बाई एस, ब्रिज बन रहा है। डायगोनल के क्रॉस जो ब्रांच है उसमें करंट कितना होगा? 0।
it is balanced Wheatstone bridge. ठीक, देखो टोटल करंट कितनी आएगी, बाय सुपरपोजिशन थ्योरम टोटल करंट आई विल बी इक्वल टू आई डैश प्लस आई डबल डैश, आई इक्वल टू वन प्लस जीरो पॉइंट सॉरी वन प्लस जीरो पॉइंट पहले कितना आया था 0.25 डैश प्लस आई डबल डैश इज जीरो, आई इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर और ये आपका फाइनल आंसर। होमवर्क में करना है आपको इसको। अच्छा शीट सॉल्व किया है क्या आपने, कल जो दोनों शीट दी थी आपको? नहीं सर, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये ले लीजिए, पहले इसको कर लें और बाकी आप शीट को सॉल्व करें। हम लोग धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाएंगे, कल क्लास होगी इसके आगे आपकी। इसको सॉल्व करिए और कल की क्लास में हो सके तो जो नहीं हुआ है उससे क्वेश्चन पूछिए मुझसे। सर जी, ये इसका आंसर जो क्या फॉर्मूला में होगा क्या? हाँ, P1 और P2 के टर्म्स में। ओके, अगर रेस्पॉन्स वोल्टेज करंट होता तो V1 प्लस V2 I1 प्लस I2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे पावर दिया हुआ है, पावर पे सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं होता है। अब दिमाग लगाइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, कल मिलते हैं इसके आगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।